कलकत्ता हाई कोर्ट ने सोमवार को भारतीय जनता पार्टी यानी भाजपा को तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ विज्ञापन चलाने से रोक दिया, जो कथित रूप से निंदनीय थे और चल रहे लोकसभा चुनावों के कारण लागू आदर्श आचार संहिता यानी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन था। न्यायमूर्ति सब्यसाची भट्टाचार्य की एकल पीठ ने विज्ञापनों को देखने के बाद कहा कि वे स्पष्ट रूप से MCC के साथ साथ प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के निर्धारित दिशा निर्देशों का उल्लंघन कर रहे थे। न्यायालय ने वर्तमान रिट याचिका दायर होने तक इस मामले पर निष्क्रियता के लिए भारत के चुनाव आयोग को भी फटकार लगाई। ये कहा गया कि हालांकि भारत के चुनाव आयोग के समक्ष शिकायत दर्ज की गई थी, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं की गई। याचिकाकर्ता के वकील ने तर्क दिया कि विज्ञापनों ने सीधे तौर पर TMC, जो एक राजनीतिक दल है, और उसके पदाधिकारियों के स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के अधिकार को प्रभावित किया और उन आधारों पर प्रचार करके मतदाताओं के अधिकार का भी उल्लंघन किया, जो MCC के तहत भी निषिद्ध है। ये कहा गया कि याचिकाकर्ता की प्रारंभिक शिकायत पर ध्यान देने में ECI की घोर निष्क्रियता के कारण कोर्ट के समक्ष याचिकाकर्ता द्वारा मांगे गए उपाय को ECI द्वारा अनुमति नहीं दी जा सकी, जिसके पास केवल MCC का उल्लंघन करने वालों की निंदा करने की शक्ति थी। तदनुसार कोर्ट ने निर्देश दिया कि उत्तरदाताओं को 4 जून को चुनाव के समापन तक या अगले आदेश तक विवादित विज्ञापन प्रकाशित करने से रोका जाएगा। अगर आपको ये खबर पसंद आई है तो इसे लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा।